दे रही है, 5 किलो राशन दे रही, 5 किलो में जो है मोदी जी या योगी जी जाएंगे। कहती है महंगाई है ही नहीं। अरे ओह माय गॉड, अरे महंगाई से बड़ी आमदनी उस हिसाब से नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा। हमें सिर्फ अपने क्षेत्र के इरफान सोलंकी से मतलब है, बाकी किसी से कोई नहीं। इसको फंसाने का काम सब भ्रष्टाचार फैला है, सब कमीशन खोर खाए जा रहे हैं। पहले क्या बिल आता था, पहले क्या, अब क्या बिल आ रहा, उसमें कमर तोड़ दे रहा आदमी, गरीब आदमी। और ये गरीबों को हटा रहे हैं योगी जी और मोदी जी। अब स्वच्छ भारत में साफ कह रहा हूँ, योगी जी से मैं कहना चाहूंगा, इतना भविष्य में कभी मैंने जीएसटी नहीं देखा, बचपन से बुढ़ापा आ गया, इतनी 18% जीएसटी नहीं मैंने देखी, दूध दही पे, किताबों पे, दवाइयों पे। क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या जीएसटी देगा? मैं रोड लेके चाटूंगा या अपने परिवार को सुखी देख के चाटूंगा? जब परिवार ही को नहीं पाल पाऊंगा मैं रोड पे क्या खा के चलूंगा? ठीक है, तो आइए इस सीसामऊ विधानसभा के कुछ लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि माहौल क्या है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इरफान सोलंकी जेल में है और यहाँ पे उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही है। देखते हैं लोग के प्रति सहानुभूति है या अग्रेसिव है जिस तरह उनके ऊपर आरोप लगे। आइए बात करते हैं, क्या लग रहा है भैया इस बार सीसामऊ विधानसभा? भाई सीसामऊ विधानसभा इरफान सोलंकी के बाप दादा की थी, उनके वालिद भी पहले यहाँ पे थे और इरफान सोलंकी भी यहाँ पे हैं, और इंशाल्लाह पुल मोहम्मद से उनको जिताया जाएगा। किसी को बेगुनाह फंसाने से सीट नहीं ले पाएंगे ये, चाहे आप कुछ भी कर लें, सीट वो इरफान सोलंकी की है, इरफान सोलंकी गिराएगी। लेकिन बेग वो तो एक न्यायालय में प्रतिक्रिया है और उस पे जो है न्यायालय बताएगा क्या है, लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरह अभी तक भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, इससे लग रहा है कि पहले ही वो कहीं ना कहीं इस पे मंथन कर रहे हैं इस बार? वो मंथन करें या ना करें, यहाँ जीतेंगे सोलंकी। हाँ, उन्हीं का जो क्षेत्र उन्हीं का है, वो जीतेंगे, वो यहीं से, चाहे उनकी वाइफ खड़ी हो चाहे वो खुद खड़े हों। अच्छा, हाँ, अभी सीट उनकी पक्की है। पक्की है उनकी, लेकिन लोग अलग अलग राय रहती है, लोग अलग अलग बातें रहती है, लोग ये आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहता है, लेकिन उनका यहाँ पे क्षेत्र में कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा, चाहे वो हिंदू के लिए हो या मुसलमान के लिए हो, काम वो सबके लिए करते थे बराबर, और बहुत ही अच्छे आदमी थे। मतलब रात बिरात कभी भी कोई जरूरत है आप फौरन फोन कर लीजिए या आप मिल लीजिए, फौरन वो काम करते थे, चाहे वो मंदिर का काम हो, चाहे मस्जिद का काम हो, या किसी भी धर्म के किसी शादी का काम, बराबर काम है, तो वो हर एक काम में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते थे। वो बहुत अच्छे आदमी थे। ये जो आरोप उनके ऊपर लगा है, ये गलत लगा है, ये बेबुनियाद है, ये किसी की साजिश है, साजिश है, उनको फंसाया गया। ये सीट लेने का हमको लगा, ये सीट लेने की साजिश थी, तो उनको इस्तीफा दिलाने के लिए, मगर उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि बीवी को टिकट मिला नसीम सोलंकी को, और हम लोग पूरा भरपूर उनको सहयोग करेंगे और जहाँ तक हो गए पूरी उनको ये सीट फिर उनको जिता के देंगे। क्या भैया क्या लग रहा है? अपोजिट पार्टी की ये चाल थी जो भैया को फंसा दिया, अल्लाह ताला इसका मेहरबान है, कदरदान है, उसने जो है आज नहीं तो कल रिहाई मिलेगी उनको। मेरा नाम रियाज अहमद है। हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि यही भैया आए, और छह पिताजी भी अच्छे थे, इरफान भैया भी अच्छे हैं। अच्छा, ये खाली परिवार है, ये अच्छा चाहते हैं गरीबों के लिए। अच्छा, ये क्या कि खाली खाली इनकी तरफ मुस्लिम वोटर भी हैं या नॉन मुस्लिम भी? नॉन मुस्लिम भी है भैया। हाँ। नॉन मुस्लिम के लिए पिताजी ने बहुत किया है। हाँ। भैया तो करने का मौका नहीं मिला, उनको जेल में डाल दिया। हाँ। जी, इसलिए। अच्छा, क्या लग रहा है भाई इस बार माहौल क्या लग रहा है आप? देखिए, लोग के लिए हिंदू मुस्लिम का नेता है, कहने को कुछ भी कहे वो राजनीति गए, लेकिन जीतना उसी वो चाहिए, हर वर्ग का काम करता है। बाकी इसके अलावा बेहतर आप जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं, हमें इसके मुंह से हम कह नहीं सकते और ना जनता कह सकती, ये अदालत का मैटर है, अदालत जो कहे वो बेहतर करेगा और जो जनता करे वो भी बेहतर करेगा। क्यों भैया क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल? ये इरफान सोलंकी की वाइफ जो चुनाव लड़ रही है, इरफान सोलंकी के ना होते भी वो चुनाव ऐसा लड़ेंगी कि सब पूरी सीसामऊ विधानसभा देखेगी, और बात यहाँ सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र की नहीं है, उनके साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी साथ में खड़े रहते थे, और इरफान सोलंकी एक बेहतर आदमी रहे। उनके पिताजी के टाइम से हम लोग ने जब से यहाँ अपने वोटर लिस्ट में नाम देखा, समाजवादी पार्टी का ही समर्थन किया और हमेशा मतलब के समर्थन करते रहेंगे। बात इस बात की है
कि जनता के ऊपर है, अब वो किसको चुनेगी, लेकिन पूरा मन हम लोग का जो है इरफान सोलंकी की वाइफ को जिताने का है। जैसे हमें पूरा दर्शन पुरवा गुमटी ये सब हमारे विधानसभा में आता है तो उनको वहाँ से भी वोट मिलता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोग वोट देते थे। जो सही व्यक्ति होगा, अच्छा होगा, उसके लिए हर आदमी हर कदम साथ में खड़ा है भाई, यही कहना। लेकिन यहाँ पे जो है बार बार मुख्यमंत्री हो और गृह मंत्री हो, अमित शाह ने कई यहाँ पे पिछली बार रोड शो किए थे और भी कई चीज, तो उनके आने ना आने से कोई फर्क पड़ेगा यहाँ? फर्क क्या पड़ेगा? पार्टी बेसिस की कोई बात करने की अनुभव नहीं है, जनता के ऊपर डिपेंड है। हमारे लिए मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे बाप है, उनसे हमारी कोई वो नहीं है। हम लोग सिर्फ पसंद करते हैं अपने इरफान सोलंकी को, विधायक को, बाकी सरकार किसी की हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अपने क्षेत्र के इरफान सोलंकी से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक जो है अगर कोई, क्योंकि मुसलमान की बराबर बात हो रही है, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे तकरीबन 2.5 लाख वोटर हैं और तकरीबन 1 लाख वोटर मुस्लिम हैं और 80,000 जो है OBC दलित समाज के लोग हैं और बाकी सब में मिक्स है। तो आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो क्या इसका फायदा भाजपा उठा सकती है? बिल्कुल उठा सकती है। योगी जी अगर थोड़ा सा मुस्लिम समुदाय पे सहयोग कर देंगे तो बिल्कुल उठा सकती है, क्योंकि AMIM भी यहाँ से प्रत्याशी उतारने की उसमें भेड़ में है, अगर उतार दी तो उस बिना पे क्या होगा? वो भी नेता अच्छा है, योगी जी अच्छे हैं और हम योगी की बुराई तो नहीं कर सकते, योगी भी अच्छे आदमी है, मगर वो थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का मामला अगर बराबर लेके चले, भेदभाव न रखे, तो उनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, ना हुआ ना होगा। क्या भैया क्या लग रहा है इस बार यहाँ का माहौल क्या लग रहा है? यहाँ का माहौल यही है कि सिर्फ इरफान सोलंकी जीतेंगे यहाँ पे। इधर जितना भी क्षेत्र जो वोट जाता है सिर्फ इरफानी को जाता है, चाहे वो कोई प्रत्याशी खड़ा हो, कोई भी पार्टी का हो, या इरफान सोलंकी किसी भी पार्टी से खड़ा हो जाए या उनके घर का कोई सदस्य खड़ा हो जाए, देगा उसी सोलंकी परिवार को। लेकिन ऐसा क्या हो गया सोलंकी परिवार में जो कि आप लोग 22 साल से सोलंकी जी के पीछे? ऐसा ये है कि उनके जो फादर थे इरफान सोलंकी के, वो हर समाज के लोग से जुड़ के रहे हैं, उनका बहुत साथ दिया है, उनकी हर समाज के लोगों की मदद की है, तो इस मारे लोग इरफान सोलंकी के परिवार को और सोलंकी परिवार को पसंद करते हैं। अच्छा, लेकिन ये बताइए यहाँ पे योगी जी, यहाँ पे जय भाजपा हो, सब अपने अपने गद्दावर हो, कहीं ना कहीं इस सीट को हिलाने में लगी है और इसके लिए बसपा से हो सकता है मुस्लिम उम्मीदवार की भी घोषणा कर किया जा सकता है, तो बसपा से भी आ सकते हैं, ये तो राजनीति है, ये तो हो सकती है। हाँ। इसके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो चाहता हूँ भगवान चाहे कि जो है योगी जी भी रहे, मोदी जी भी रहे, अच्छा किया, देश को सुधार दिया, मतलब सब कुछ बढ़ा दिया, अच्छा किया। तो अब यही बताइए कि अनिल शुक्ला वारसी जी का कुछ हो सकता है? जी मैं उनका समर्थन करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं ना। वो अब ये है कि टोपी बाजी वाली बात है, तो पता नहीं किस शख्स ने टोपी लगा करके अनिल शुक्ला जी को समर्थन कर दिया, वरना वो आर्य नगर विधानसभा की जो सारी जनता जो है इरफान सोलंकी और मुश्ताक सोलंकी की। ये कह रहे थे कि हम खड़े हैं सोलंकी परिवार के साथ और हम आज 1 साल से क्षेत्र में मदद कर रहे हैं लोग के बीच में, जहाँ पे भाजपा को 1 वोट मिलता था वहाँ पे हमने 200-300 वोट करवा दिया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर अनिल शुक्ला वारसी आते हैं तो हम जो है उनके तरफ और बहुत हद तक मुस्लिम वोट शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर वो नहीं आते हैं तो कोई और आता है, हाँ नहीं नहीं उन्होंने कहा अगर कोई और आएगा तो फिर यहाँ से सोलंकी परिवार का काफी अच्छा वर्चस्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, सोलंकी परिवार के साथ तो हम लोग जो है दिलो जान से हैं। लेकिन अनिल शुक्ला वारसी का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बहुत दूर तक उनका नाम नहीं है। अनिल शुक्ला वारसी को आदमी अगर जानता होता, अगर आते अनिल शुक्ला वारसी तो आदमी उनको जानता, आज तक देखा ही नहीं तो जाने कैसे? यहाँ किसी ने जानते हैं नाम ही आप आंसर है, आपकी सरकार थी तब वो आते थे, मियां बीबी प्रतिभा शुक्ला अनिल शुक्ला वारसी, बाकी वो किसी तरह का यहाँ कोई काम में किसी की रुचि नहीं रखी मैंने। वो बस एक बात समझ लिया, 100 बात की एक बात कि इरफान सोलंकी के अलावा कोई जीत नहीं पाएगा, वो किसी पार्टी से खड़े हो जाए। सोलंकी जो है इरफान चाहे भाजपा से खड़ा हो जाए, इरफान सोलंकी जैसे कि सोलंकी परिवार से आज तक कोई जेल में नहीं गया, पहली बार हुआ कि इरफान सोलंकी जेल, पार्टी की जो है साजिश है इसमें।
अपोजिट पार्टी ने जो है फंसाया है इरफान सोलंकी को। अच्छा, ये मैसेज समाज में है कि ऐसा शायद जमीन हड़पने का जो उनके ऊपर मुकदमा है, ये तो हम लोग को इसके बारे में मालूम नहीं है, ये अपना तो इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है चुनाव में। नहीं, जमीन हड़पने का तो अभी हम लोग के सामने कोई ऐसा मैटर आया नहीं है, वो तो उनके पे इल्जाम लगा है। अभी ये खानदानी मसला है सर, जो झूठ झूठ मिला करके कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं ना, ये सब षड्यंत्र है अपोजिट पार्टी का, और ऐसा कुछ नहीं ना। सब इरफान भैया भी अच्छे हैं, पिताजी भी उनके अच्छे थे, उनका सहयोग है उनका जो है। ये इतने दिन में, इतने दिनों में लोगों ने देख लिया इनके मन गलत, ये इसको फंसाने का काम किया। ये इन्होंने जेल काटी है तो ये तो परिवार वाला समझेगा कि जमीन। लेकिन ये बताइए, यहाँ पे चलिए ठीक है इरफान सोलंकी, लेकिन वर्तमान सरकार आपके लिए जो है गल्ला मुफ्त दे रही है, शौचालय दे रही है और कई योजना दे रही है। बिल्कुल सर, तो आप कैसे, मतलब गल्ला क्या दे रही सरकार, बीजेपी सरकार क्या गल्ला दे रही है? गल्ला आपको मुफ्त राशन दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है। 5 किलो में जो है मोदी जी या योगी जी जी जाएंगे महीने में एक बार, मैं बोल रहा हूँ मुझे जेल पहुँचवा दीजिए। जेल क्या ये भाई, लोकतंत्र है यहाँ पे, सबको बोलने में, यहाँ पे बोलने में बोल रहा हूँ, मतलब इनकी तरफ से बोल रहा हूँ ना उनकी तरफ से। लेकिन 5 किलो राशन में होता क्या सर, आप ये बता दीजिए, 5 किलो राशन में 5 बच्चों का परिवार चला पाएगा आदमी? इस कदर की महंगाई मोदी जी ने बढ़ा दी है, योगी जी खरी चल अच्छा कर रहे हैं, खैर ठीक है चलो 5 ही किलो दिलवा रहे हैं जो भी कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन इसमें परिवार चल जाएगा क्या? लेकिन पहले गल्ला के लिए आप लोग को पैसा देना पड़ता था, मुफ्त आप लोग दे रहे। ये देखिए कांग्रेस के टाइम से है और ये स्कीम जो है, तो ये योगी जी है मोदी जी की नहीं ना, ये कांग्रेस की स्कीम है, उसको बढ़ावा दिया इन लोगों ने। आप लोग को आवास योजना दिया गया, शौचालय के लिए दिया गया, और जो है सब भ्रष्टाचार फैला है, सब कमीशन खोर खाए जा रहे हैं। योगी जी का तो आरोप बोलते हैं वो हर जगह कि यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है। मैं आज भी किराए के मकान में रह रहा हूँ सर, आज 20-30 साल हो गए मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, परिवार चला रहा हूँ, गुजर बसर कर रहा हूँ। मैं तो 5 किलो गल्ला भी ले रहा, तो मैंने राशन कार्ड ही नहीं बना लिया, मैं क्या करूँगा, मैं आज तक के मैं खरीद के बाजार से खा रहा हूँ गल्ला, मैंने आज तक राशन कार्ड ही नहीं बनाया। उज्ज्वल गैस योजना भी दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से आप लोग, वो सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, मगर ये महंगाई और ये बेरोजगारी और ये इतना ज्यादा है, सदाबहार रहेंगे भगवान है, और इतना बीजेपी कहती है महंगाई है ही नहीं। अरे ओ माय गॉड, 1947 में चले जाइए तो क्या रेट था सोने का, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि क्या रेट सोने का था, आप खाली इतना बता दीजिए 1947 के रेट में चले जाइए, पेट्रोल का क्या रेट था और आटे का शक्कर का क्या रेट था मेरे पास अभी। दिहाड़ी और मजदूरी कितनी थी, दिहाड़ी जो भी हो सर, आज दिहाड़ी कितनी है, आज ना कहीं आपकी आमदनी भी बढ़ी है ना। हाँ, उस वक्त पे 4 लोग परिवार में रहते थे, एक आदमी सर टैक्स भी बढ़ा है, महंगाई बढ़ी, आमदनी देखा है कुछ नहीं है। पहले आदमी को 200 रुपए मिलता था, आज मिस्त्री 700-800 रुपए ले रहा है। 1947 में 40 रुपया लीटर पेट्रोल था, आज जो है 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, ये भी तो देखिए आप, अगर कमाई बढ़ी है सरकार अपना सब कर रही है। क्या कह रहे हैं भैया? हम कह रहे थे महंगाई से बढ़ी आमदनी उस हिसाब से नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, हर बार महंगाई हो गई भाई। भविष्य में कभी मोदी जी से योगी जी से मैं कहना चाहूंगा, इतना भविष्य में कभी मैंने जीएसटी नहीं देखा, 55% से बुढ़ापा आ गया, इतनी 18% जीएसटी ने मैंने देखी, दूध दही पे, किताबों पे, दवाइयों पे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूँ अहमद, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।